Hey there, welcome to another video। और आज है संडे। बेसिकली मैं संडे को बनाता हूँ मैट टॉक, लेकिन आज मैं एजुकेशनल वीडियो ला रहा हूँ बिकॉज कल मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया था एंड संडे को ही शूट करके रखना दैट लिटल बिट डिफिकल्ट बिकॉज पहले तो इन्फॉर्मेशन लेना, फिर उनको नोट करना, फिर वीडियो बनाना, फिर ग्रीन स्क्रीन चेंज करना एंड ऑल दैट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई आज एजुकेशनल वीडियो ला रहा हूँ। नेक्स्ट संडे मैं मैट टॉक ला दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट ARDS टॉपिक। नाउ यहाँ पे मैं सिर्फ पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में ही बात करने वाला हूँ। So ARDS is acute respiratory distress syndrome and its other names are diffuse alveolar damage disorder and hyaline membrane disease। अब उसको ऐसा क्यों बोला जाता है वो पैथोजेनेसिस से पता चलेगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस द पैथोजेनेसिस ऑफ ARDS। सो यहाँ पे एक दिख रहा है दैट इज द नॉर्मल alveoli एंड एक तरफ का जो है दैट पार्ट इट इज अ नॉर्मल एंड दैट पार्ट इट इज अ ARDS एंड यहाँ पे नीचे दैट इज द कैपिलरी। ओके, नाउ हमारे नॉर्मल alveoli जो होती है उसमें होता है मैक्रोफेजेस आर देयर एंड मैनी थिंग्स आर देयर, बट मेनली यहाँ पे मैक्रोफेज का काम है। तो मैक्रोफेजेस आर देयर। नाउ जब भी कोई टॉक्सिन आएगा या जब भी कोई इंजरी होगी, व्हाट हैपन दैट मैक्रोफेज आर गेटिंग एक्टिवेटेड एंड दैट एक्टिवेटेड मैक्रोफेज सिक्रेट व्हाट? दे सिक्रेट द interleukin-1, interleukin-6, interleukin-8, tumor necrosis factor alpha। नाउ दैट फैक्टर लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ neutrophil into the capillary. Now that neutrophil gets sequestrated and migrated to the alveoli wall and they are getting activated. So this is a activated neutrophil. Now activated neutrophil secrete the proteases and other inflammatory products. नाउ प्रोटीज क्या करेगा? तो प्रोटीज जो है वो वॉल है वो डैमेज करेगा। नाउ जब ये वॉल डैमेज होगी तो बाहर जो फ्लूड है इडिमेटस फ्लूड वो अंदर आएगा। ओके, नाउ प्रोटीज डू अनदर थिंग दैट इज द प्रोकोएगुलेशन एक्टिवेशन एंड बाय डूइंग दैट फाइब्रिन लीक्ड आउट। Now that fibrin is deposited into that wall and that is why it is called hyaline membrane disease. Why it is called diffuse alveolar damage? Diffuse means more than 50% and alveolar damage, here alveoli gets damaged, that is why it is called diffuse alveolar damage. So this is the simple pathogenesis of ARDS. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। सो अगर हम ग्रॉस पिक्चर देखेंगे तो लंग्स लुक लाइक अ फर्म रेड बॉगी एंड लंग्स फील हैवी। हैवी क्यों फील होंगे? बिकॉज ऑफ दैट फ्लूड। नाउ अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे तो यहाँ पे फाइब्रिन डिपोजिट होता है, मतलब दिस कॉल्ड हाईलाइन मेम्ब्रेन डिसीज। इन द H&E इन द स्टेन दैट इज सीन लाइक पिंक कलर मटेरियल, यू कैन सी दैट इन द इमेज। सो दैट्स अ टुडे शॉर्ट वीडियो ऑन ARDS एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ पैथोलॉजी को ही डिस्कस किया, मैंने मेडिसिन वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया। उसमें सब क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट वो ऐड हो जाता है तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आज आपको मैट टॉक वीडियो नहीं दे पाया। नेक्स्ट संडे डेफिनेटली मैं मैट टॉक वीडियो लेके आऊँगा। सो टेक केयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।